हाय फ्रेंड्स, जो आप कॉलिंग है, जैसे कि कॉलिंग करते हैं आप, तो सिम टू से करना चाहते हैं पर वो सिम वन से चला जा रहा है, या सिम वन से करना है पर वो सिम टू से चला जा रहा है। जो ऑप्शन आता है ना, जैसे इस तरह से मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चालू कर दे रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। जैसे कि इसमें बोला जाता है कि दोनों सिम किस तरह से कॉल, किस सिम से आप अपने कॉल को करना चाहते हैं, सिम वन या सिम टू से, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन शो आप नहीं हो रहा होगा ना, तो उसको कैसे मंगाएंगे ना, या सिम टू से सिम वन में कैसे कॉल करेंगे, सिम वन से सिम टू से कैसे कॉल करेंगे, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गया, इसमें आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको वो प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ से भी ठीक हो सकता है, पर आपको आना होगा सेटिंग में, ठीक है। एम सेटिंग ओपन कर दिया ना, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन आपको नज़र एक, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क करके ये ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना होगा आपको। उसको देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा नज़र, यहाँ पर डिफॉल्ट कॉल्स लिखा है ना, डिफॉल्ट कॉल्स, डिफॉल्ट फॉर कॉल लिखा है ना, इसी से जो आपका फ़ोन है ना वो कंट्रोल होता है। जैसे कि इसमें मैं यहाँ पर जैसे कट कर दे रहा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर हम सिम वन में क्ले सेलेक्ट कर लिया ना सिम वन को, तो क्या होगा कि हम जैसे कॉल लगाएंगे ना किसी के पास, जैसे देखिए यहाँ पर मैं कॉल लगा, देखिए कॉल लग गया, ऑप्शन वो कुछ शो नहीं ना किया कि सिम टू से या सिम वन से करना, शो किया ना। यहाँ पर हम लगाएंगे सिम टू में, ठीक है, सिम सॉरी, यहाँ पर हम सिम टू को सिलेक्ट कर ले रहे हैं ना, तो क्या होगा कॉल लगाएंगे ना तो सिम टू से चला जाएगा, ऑप्शन ही ऐसे होगा। तो कहाँ से आप चेंज कीजिएगा कि आपको कौन सिम से चेंज फ़ोन लगाना है, सिम ऑप्शन से चेना ही आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर कीजिएगा ना सेलेक्ट सिम कार्ड टू डायल, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस पर सेलेक्ट करते हैं आप जिसे आप कॉल लगाना चाहते हैं ना, यहाँ पे हम जैसे फर्स्ट में आप देखे थे ना, यहाँ पर हम लगाएंगे, तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है यहाँ पर चूज सिम फॉर दिस कॉल्स, यहाँ पर अपने सिम को चूज कर सकते हैं किस सिम से आपको कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉलिंग समस्या था यहाँ से डिफॉल्ट कॉल को ठीक करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़े लोग बोले हैं कि कोई आपको मदद करे ना तो उसे थैंक जरूर बोलना चाहिए। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिला होगा तो बड़े लोग को मान सम्मान देना चाहिए, तो थैंक्स बोल कर जाइएगा, ठीक है। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप तो प्रॉब्लम का सॉल्व आपका तो आप तो जान गए ना, तो किसी और को जाने का मौका दीजिए वीडियो को शेयर करके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।